नमस्कार आदाब, आपका स्वागत है न्यूज लाइन कोलकाता में। मैं आपका दोस्त, आपका साथी दिलशाद अंसारी। जैसा कि हमने आपको कल एक वीडियो दिखाया था, जिसमें आपने देखा होगा शहर कोलकाता का बड़ा बाजार, जहां पे बहुत सारी दुकानों को जो है हटाया जा रहा है जो फुट पे स्थित थी। असल में ये मुद्दा दो दिन पहले नौबन्नों से सामने आया था, जब राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने एक मीटिंग कर ये हिदायत दी कि जो भी इलीगल काम हुआ है, जितने सारे रास्ते को ब्लॉक किया गया है, जो जो इलीगल दुकानें लगी हैं, उनको हटाना पड़ेगा। उसी का असर देखने को मिल रहा है शहर कोलकाता में बहुत सारी जगहों पे। फिलहाल हम शहर कोलकाता के कैनिंग स्ट्रीट में खड़े हैं और यहाँ पे एरिया के जनरल सेक्रेटरी CITU के उनसे मिलकर बात कर लेंगे और जानेंगे पूरी बात, क्योंकि इस इलाके में भी बहुत सारी दुकानों को अभी रोड से हटाया हुआ दिखाया जा सकता है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरी भीड़ भाड़ वाली जगह है और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगती है जो आज नई नहीं है, बल्कि यहाँ सालों से, आज से तकरीबन 20-25-30 सालों से इस लाइन में दुकानें लगती हैं और ये सीधा बागड़ी मार्केट तक जाती है। बहुत सारे यहाँ पे हॉकर्स ऐसे हैं जो ट्रेड यूनियन के हॉकर्स हैं, जिनके पास हॉकर्स का कार्ड भी है। वैसे दुकानों को भी यहाँ से हटाया गया, बहुत सारे नए दुकान भी है। तो आइए जान लेते हैं पूरी बात और जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। सर, यहाँ पे जो देखा जा रहा है दो दिन से कि बहुत सारी दुकानों को हटाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस मसले पे? क्योंकि ममता बनर्जी ने इससे पहले एक बार कहा था कि मैं हॉकरों के साथ हूँ, तो आज फिर ऐसा क्या हुआ कि आज हॉकरों को हटाया जा रहा है, जो खास करके यहाँ पे, जैसे मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेड यूनियन के हॉकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हॉकर बैठा है, ये आज नहीं बैठा है, इसको 40 साल किसी को दो पुश भी यहाँ चला गया और हटा के एक दिन रात में आकर मोदी के तरफ बोल देगा नोट बंद हो गया, तो ये नहीं होगा। यहाँ लोगों को रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं है, बेकारी है, दलिद्री है, कल कल खाना नहीं है, इसके वजह से रास्ता पर बैठा हुआ, आज से नहीं बैठा हुआ, 30-40 साल से बैठा हुआ है। हटा रात में नमनों में बैठ कर फैसला सुना देगी ममता बनर्जी की हॉकर हटाओ, तो ये रास्ता पर हॉकर बैठाया कौन? 10 साल पहले बाम फंड, 12 साल पहले बाम फंड था तो रास्ता पर हॉकर नहीं था, आज बैठा कैसे? बैठाया तो वही लोग, तो उसको हटाने की वो करेगी ना बात ना, पूरा कौन सा लीगल है, कौन अनलीगल है, उसके बारे में कैसे जानकारी उनको है, क्या लीगल है अनलीगल है? जो गवर्नमेंट 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून पास किया हॉकर का, जिसमें राष्ट्रपति के सिग्नेचर, प्रधानमंत्री के सिग्नेचर है और पार्लियामेंट मेंबर के सिग्नेचर है, चुका उससे उभरते क्या काम करेंगे वो, जो कानून बना हुआ कानून के मुताबिक काम करेंगे। हजारों पार्किंग, बेआईनी पार्किंग पड़ा हुआ है, बड़ा बड़ा मल बन रहा है गवर्नमेंट के जगह पर, सरकार के जगह पर मल बन रहा है, 6 तला 5 तला बिल्डिंग बन रहा है, उन पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, जो लोग करके खा रहा है उस पर बुलडोजर चल रहा है, जो बेकार है, बेरोजगार है, दलिद्री है, उसके पास खाने कमाने का रास्ता नहीं है, रास्ता पर बैठ गया उसके पास बुलडोजर चल रहा है, बड़ा बड़ा मल जो सरकार के जमीन पर बिक्री करके इनके पार्टी के नेता लोग बिल्डिंग बना लिया, उस पर क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? ये तो गलत हो रहा है कि राजा राज एक फैसला सुना दिया गया कि नहीं, आज यहाँ पर नहीं रहेगा हॉकर, इसके लिए हम लोग विरोध करेंगे। जैसे ममता बनर्जी का कहना है कि हॉकरों को दुकान लगाने को दिया जा रहा है और उसके बदले पैसा उठाया जाता है, इसके खिलाफ वो ये कार्रवाई करवा रही है, तो याद जानती है जब बैठी उनको मालूम नहीं था कि तोलाबाज कौन लोग है, उनको कान में खबर नहीं है कि कौन उठाता है पैसा और कौन लेता है पैसा? पुलिस पैसा नहीं लेता है, रोड पर खड़ा होकर 407 से पैसा लेता है, तो उसको ममता बनर्जी को मालूम नहीं है, खाली यही मालूम है और कोई मालूम नहीं है। 43 नंबर वार्ड में 40 बिल्डिंग टूट रहा है, अनलीगल बन रहा है, उनको मालूम नहीं है? दो दिन पहले यहाँ पे मेहता बिल्डिंग में आग लगी थी, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे रास्ते को जाम हो गया, उससे पहले भी कई बार यहाँ पे सर्वे हुआ है दुकानों को हटाने के लिए, तो यहाँ पे बार बार सर्वे में निकलता है कि बहुत सारी लीगल दुकानें हैं, मगर यहाँ देखा जा रहा है कि सारी दुकानों को हटाया जा रहा है। लीगल अनलीगल किसको बोला जाता है? आप लाइसेंस दे रही है, आप 800 रुपए महीना ले, सालाना ले रही है, उसको अनलीगल बोल रही है आप? हम लोग का पास परमिट है, उसका लिस्ट में नाम है आपका, तो लीगल किसका बोलता है, अनलीगल किसको बोला जाता है? जिसका नाम है, जिसका लिस्ट में नाम है वो अनलीगल हो गया, तो उसको आप 800 रुपए लाइसेंस के क्यों ले रही है आप? जैसे बहुत सारे में, जैसे धर्मतल्ला में भी देखा गया कि बहुत सारी दुकानों को हटाया गया, जो धर्मतल्ला में इतना हॉकर कहाँ से था? धर्मतल्ला में जो फूड फाट में था वही हॉकर था, ये 12 साल के अंदर इतना हॉकर वहाँ बैठ गया, ये रास्ता चलने की जगह नहीं, तो कौन बैठाया है, कौन बैठाया उसको 12 साल के अंदर में, कौन बैठाया उसको?
आज तो नहीं बैठा हो। इसमें जो तोलाबाज है तो वो कौन लोग है? कौन लोग है? उसी का आदमी है, उसको सब ममता बनर्जी को मालूम नहीं है कौन लोग है। हम लोग नाम देकर बताएंगे, पहले नंबर तो वही है तो दूसरा किसको बोलेंगे। बहुत सारे काउंसलरों को उन्होंने हिदायत दे रखा है कि अपने इलाके को साफ रखो। हाँ तो साफ करें ना, हम लोग तो उसका साथ है। हम लोग चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं हॉकर भी रहे, पब्लिक भी चले, हॉकर नियंत्रण चले। बामपुन के जमाने में क्या था, हॉकर नियंत्रण करने का बात था, एक समथिंग जगह था कि इतना से इतना हॉकर लगाएगा, इतना पब्लिक चलेगा, तो सब बंद हो गया। किसके वजह से? पुलिस के वजह से। आज जो बोली है कि हर हॉकर को जो है एक स्टॉल देना चाहिए, स्टॉल नंबर होना चाहिए, इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? दे ना स्टॉल नंबर, कहाँ है जगह, कहाँ है जगह देने का? बल हमको बताइए आप जगह तो क्या हो, उसमें गंगा गंगा किनारे देंगे, बीच में देंगे क्या? जगह है, कोर्ट सेट का जमीन तो बड़ा बड़ा कंपनी लेकर बैठा हुआ फ्री में, और हाई कोर्ट ऑर्डर दे रहा है उसको तोड़ को हटाओ, क्यों नहीं हट रहा? क्योंकि मोटा मोटी पैसा मिल रहा है वहां से, गरीबों से क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो आने वाले दिनों में मतलब अगर हॉकरों को सब हटा दिया जाएगा तो आप लोग क्या है? अरे हॉकर से हटा कैसे देगा, हॉकर का कानून बना हुआ है, उसको हटा देना कोई खेला बात है क्या? मोदी जी है जो नोट कल बंद हो गया, जैसे वो लड़ाई लड़ा जाएगा उसके लिए। देखने को मिल रहा था बुलडोजर सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही चल रहा था, मगर अभी दो दिनों से जो है पश्चिम बंगाल में भी बुलडोजर पहुंच, बुलडोजर का प्रतिवाद हम लोग करेंगे, रोकेंगे, बेबक आंदोलन होगा पूरा पश्चिम बंगाल में होगा, कलकत्ता में नहीं, जहां वोट उनका खराब हुआ वहां पर रंगबाजी कर रही है। मानिक तल में वोट आ रहा, क्यों नहीं जाकर उठा रही होकर उपचुनाव, वहां जाकर उठा है? अगर राजनीति कर रही है हिंदू और मुसलमान का, उजाति जाति, ये कहीं होता है कि बंगला भाषी रहेगा हिंदी भाषी नहीं रहेगा, उर्दू भाषा नहीं रहेगा? ये जात पात का राजनीति कर रही है ममता बनर्जी यहाँ पर। अभी जो क्या बोलिए नमूने में बैठकर, तो बाहर लोग ठीक है ऐसे बसे अच्छे, बांग्ला के कल्चर खराब अच्छे, ये क्या मतलब है? जातिवादी कर रही है, हिंदी उर्दू बांग्ला भाषी की लड़ाई लगाने मांगती है यहाँ पर। यहाँ पे तो बाहर के लोग का मतलब तो यहाँ पे 30% से ज्यादा ऐसे वोटर्स है जो दूसरे राज्यों से यहाँ पे आके बसे हुए। देखिए यहाँ उनका रिजल्ट खराब हुआ है, 144 वार्ड में 46 वार्ड में वो हार चुकी है, और जहाँ हार गई है वहाँ ये काम कर रही है। हम तो कर रहे उपचुनाव मानिक तल्ला में, जाओ ना भाई वहाँ उठाओ, छोड़ो ना हुआ तो बहुत बिल्डिंग नहीं बन रहा, बिल्डिंग बन रहा है, हॉकर का बात छोड़ दिए, बिल्डिंग बन रहा हुआ तोड़ा ना जवाब देखे हम, हाँ हिम्मत तो तोड़ के दिखाए, इसलिए हार जाएंगे उपचुनाव, हार जाएंगे, क्या करें वहां पर देखें। आप क्या कहना चाहेंगे अपने हॉकर बंधुओं से? जो हम अपने हॉकर के साथ रात दिन साथ में हैं, उठने नहीं देंगे, जब कानून बना है हम कानून से बैठे हैं, हॉकर नियंत्रण होगा, हमारा जो सीटू का गठन तंत्र है, नीति है, हम लोग उस पर काम है। जहां भी हॉकर बैठा हुआ है गवर्नमेंट का नीति के मुताबिक, गवर्नमेंट के नीति के हिसाब से उसी को हम लोग कार्ड दिए, उसी को लाइसेंस दिए, उसी को लिस्ट में नाम उठाए हैं, अदरवाइज को हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। सभी हॉकर हॉकर है, बेकार है तभी रास्ता पर बैठा है, और नहीं है तो भी बैठा है, उठाना उठाइए देखे जाए। आपकी परिचय? कलकत्ता स्ट्रीट हॉकर सेक्रेटरी एरिया कमेटी। तो जैसा कि आपने देखा इस वक्त हमने बात की और बात कर आप लोगों को बताया कि हॉकरों का इतिहास क्या है, कब से जो है यहाँ पे हॉकर जो है इस इलाके में है। जैसा कि अभी हमने जाना कि यहाँ पे हॉकर लगभग 40 सालों से जो है बैठ रहे हैं, और मैं आपको दिखा दूं इस वक्त मेरे पीछे काफी भीड़ है, और ये कैनिंग स्ट्रीट का इलाका है जहाँ पे आज बहुत पुराना मार्केट है, और ये कलकत्ता का ही नहीं, पश्चिम बंगाल का नहीं, बल्कि पूरे एशिया के सबसे बड़े मार्केटों में से एक मार्केट है, जहाँ पे दूर दराज से लोग जो है आते हैं, और यहाँ पे ये होलसेल की मंडी है, यहाँ पे हर एक किस्म के होलसेल के आइटम्स जो है मिलते हैं, दावत इसको लेकर यहाँ पे काफी भीड़ भाड़ रहती है। और यहाँ पे आज हॉकरों को हटा दिया गया, बहुत सारी दुकानें बंद है, इसको लेकर हमने आपको जो वीडियो अपना दिखाया एक्सक्लूसिव, आप हमारे साथ बने रहे, और भी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ लाइन कोलकाता। मैं दिलशाद अंसारी, कोलकाता।